हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे दीदीमन। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने टीचर्स, लैब असिस्टेंट सहित 1841 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। 15 सितंबर जो है लास्ट डेट यहां पर रहने वाली है। यहां पर सैलरी आप लोगों को अलग अलग पदों के लिए 19,000 से लेकर 1.5 लाख तक जो है वो मिलेगी। परमानेंट पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड रखी गई है। तो कंप्लीट डिटेल जो है वो हम एकदम अच्छे तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वहाँ पर देखेंगे। उम्र यहाँ पर 18 से लेकर 36 साल तक के बीच में होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी गई है। फीस की अगर हम बात करें तो मात्र जो है वो जनरल कैटेगरी से 100 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में जो है यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। तो चलिए फटाफट से जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उपलब्ध नोटिफिकेशन है उसमें हम जो है अच्छे से जो है वो क्वालिफिकेशन कैसे चयन होगा सारी चीजें देखते हैं। पीजीटी संस्कृत मेल की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 13 कुल वैकेंसी है। यहाँ पर मास्टर डिग्री पीजीटी संस्कृत डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है वो आपने मास्टर डिग्री संस्कृत से की है, एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है और साथ में बीएड किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 36 साल तक के स्टूडेंट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया है, कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर दिया ही जा रहा है। पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए जो वैकेंसी एक है, यहाँ पर जो है पीजीटी संस्कृत यानी मास्टर डिग्री आपने जो है संस्कृत में की हो और साथ में बीएड यहाँ पर मांगा गया है। नेक्स्ट जो है काउंसलर की वैकेंसी है, यानी अगर आपने साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री जो है वो आपने हासिल कर रखी है, डिप्लोमा आपने गाइडेंस काउंसलिंग का किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। सैलरी यहाँ पर जो है 47,600 से 1.5 लाख तक जो है वो आप लोगों को मिलेगी। परमानेंट पोस्ट रहेंगी। एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर ये फीमेल की है, ठीक है, जहां मैंने आपको बताया मेल में जो है वो 138 वैकेंसी है यदि आपने साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री किया है। और अगर फीमेल जो है यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहती है तो 50 पोस्ट है यहाँ पर आपसे भी जो है वो मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में और डिप्लोमा मांगा गया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। 30 साल तक जो है वो एज लिमिट है। तो पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए यहाँ पर 21 पोस्ट है, मास्टर डिग्री इंग्लिश में डिग्री और डिप्लोमा यानी बीएड मांगा गया है। 36 साल तक आपकी एज रखी गई है और 47,600 से 1.5 लाख तक आप लोगों को यहाँ सैलरी मिलेगी। फीमेल के लिए भी है, एज और सैलरी जो है वही रहेगी। यहाँ पर फीमेल के लिए इंग्लिश में 8 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन जो है वो आप लोगों की इंग्लिश में मास्टर डिग्री और बीएड। नेक्स्ट टीजीटी कंप्यूटर साइंस, अभी हमने पीजीटी की बात कर ली, अब देखिए टीजीटी में कितनी पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं यहाँ पर। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से या बीसीए या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है और साथ में यहाँ पर जो है बीएड मांगा गया है, ठीक है, याद रखना है कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मांगा गया है। 44,900 से 1,42,000 तक सैलरी मिलेगी लेवल 7 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 32 साल जो है वो रहने वाली है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा जो है वो होम्योपैथिक कंपाउंडर की वैकेंसी है, यहाँ पर कुल कितनी पोस्ट है, 9 वैकेंसी है। यहाँ पर मैट्रिक मांगा गया है और साथ में 2 साल का जो है वो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी जो है यहाँ पर 29,200 से 92,300 तक मिलेगी और एज जो है वो 18 से 32 साल जो है वो रखी गई है। तो यहाँ पर जो है वो हमने अभी पीजीटी और टीजीटी की बात कर ली। तो अब जो है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है म्यूजिक टीचर के लिए, यहाँ पर बीए डिग्री म्यूजिक के साथ एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और अगर आपने हायर सेकेंडरी जो है इनमें से एक कोई जो है वो कोर्स किया है तो आप यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। संगीत में आपने म्यूजिक में कोई डिप्लोमा या डिग्री हासिल किया है। 32 साल एज है, 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी यहाँ पर मिलेगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर, इसकी भी वैकेंसी है, 581 पोस्ट है, ठीक है। सर्वाधिक जो पोस्ट है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी की है। तो यहाँ पर ग्रेजुएट विद बीएड वो भी स्पेशल एजुकेशन में मांगा गया है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, ठीक है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो सीटेट मांगा गया है। ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो वैकेंसी है वहां पर आपका सीटेट मांगा गया है, ठीक है। आपने सीटेट 2 जो है वो पास किया हो या यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बस सीटेट जो है वो पास होना चाहिए। पे स्केल जो है वो 44,900 से 1,42,400 है। 30 साल जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है। उसके बाद जो है वो पब्लिसिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री 2 साल का जो है एक्सपीरियंस, फोटोग्राफर की वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ 12th मांगा गया है और डिप्लोमा डिग्री आपने फोटोग्राफी में की हो, 18
1827 साल जो है यहाँ पर एज रखी गई है 18 to 27। इसके अलावा भी और कई वैकेंसी हैं, सर्विलेंस वर्कर की वैकेंसी है, तो यहाँ मैट्रिक मांगा गया है आपका साइंस के साथ, और आपका जो है डिप्लोमा मांगा गया है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है 11 पोस्ट हैं यहाँ पर, डिग्री जो है वो साइंस में केमिस्ट्री के साथ में, या आपने इंटरमीडिएट साइंस में केमिस्ट्री के साथ में और 3 साल का केमिकल लेबोरेटरी में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप एप्लीकेशन कर पाओगे। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 25,500 से 81,100 तक। इसके अलावा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री जूलॉजी या बॉटनी में जो है वो आपका, और 2 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 साल उम्र रखी गई है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ 5 पोस्ट हैं, और मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और मैथमेटिक और फॉरेंसिक साइंस में जो है वो आपका मांगा गया है, फिजिक्स और मैथमेटिक के साथ में। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की जो है वो वैकेंसी है, 5 पोस्ट हैं, मास्टर डिग्री जूलॉजी या बॉटनी में आपने किया है, 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, 30 साल जो है वो उम्र रहने वाली है, ठीक है। परमानेंट और गवर्नमेंट जॉब है ये, 35,400 से 1,12,400 जो है यहाँ पर सैलरी मिलेगी। इसके अलावा भी जो है वो कई पोस्ट हैं, तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है वो वैकेंसी है, स्टार्टिंग जो है वो 17 अगस्त से, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और 15 सितंबर तक जो है वो चलने वाले हैं। तो अभी जो है वो कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आपको मेन वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ये जो 36 पेजों की एडवर्टीजमेंट है, तो आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। याद रखना जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन करना चाहेंगे तो पोस्ट कोड जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि म्यूजिक टीचर के लिए 3200/23, ये इसका पोस्ट कोड है, ठीक है। ग्रुप बी में आता है ये, यहाँ पर टोटल 182 वैकेंसी हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन जो टीचर है उसकी 581 पोस्ट हैं। इसके साथ ही जितने भी मैंने आपको बताया कि टीचर और लैब असिस्टेंट सहित जो है वो अन्य जो पोस्ट है, जैसे पब्लिसिटी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, फोटोग्राफर की 3 है, ठीक है, उसके बाद जो है सर्वेलेंस वर्कर की 13 है, लैब असिस्टेंट की 11 है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 5 हैं। तो यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो पहले जो है वो नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके बाद एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट यहाँ ग्रेड 4 की 138 वैकेंसी है, असिस्टेंट ओटी की जो है वो 118 है वैकेंसी, टेक्नीशियन की यहाँ पर 72 वैकेंसी है, और यहाँ पर पीजीटी की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को दिखा दी है, पीजीटी एग्रीकल्चर मेल की यहाँ पर 1 पोस्ट है, फाइन आर्ट की यहाँ पर पीजीटी में 2 पोस्ट हैं, ग्राफिक्स मेल में 1 है, संस्कृत मेल में 13 है, फीमेल में 1 पोस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर काउंसलर की जो है वो आप देख सकते हैं मेल 138 है, ठीक है। काफ़ी संख्या में वैकेंसी आई है क्योंकि काउंसलर की जो है जिन्होंने साइकोलॉजी एमए से किया है तो उनके लिए पोस्ट जो है वो कम ही देखने को मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब में। यहाँ पर फीमेल की जो है वो 50 वैकेंसी हैं, इंग्लिश में पीजीटी 21 वैकेंसी मेल की हैं और 8 वैकेंसी फीमेल की है। कंप्यूटर साइंस में बीएड मांगा गया है, 6 वैकेंसी हैं यहाँ पर, होम्योपैथिक कंपाउंडर की 9 वैकेंसी, कुल जो है वो 1841 पोस्ट हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।